इसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आइए बिना समय कमाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज़ और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीज़ों में देखना होता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युत हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, ये देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों पर बने रहो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हम लोग अब बात करेंगे चंद्र, मंगल और शुक्र की युति को लेकर। अर्थात तीनों ग्रह अगर युति करके संगत आधार एक घर पर पर्टिकुलर बनता है, हो सकता है वो अलग अलग भाव कौन, क्योंकि किस भाव में आकर के वो किस स्थिति में है वो आपकी जन्मकुंडली आधार पर लिया देखा जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर एक साथ बैठते हैं तो चंद्र शुक्र कुजेर योगे दीशीलाया पति सुतः सदा भ्रमणशीलस सीतो भीतो पिजायते। अर्थात चंद्र, मंगल और शुक्र का संयोग होता है तो ऐसे व्यक्ति कुशीला स्त्री का पति होता है, अर्थात उसको बहुत सुंदर पत्नी का संयोग जीवन में नहीं मिल पाता है, कुशील होती है, कुरक्षणा उसे कह सकते हैं। पुत्र भी अगर कहें तो उसको इसी प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। ये स्थिति इस रूप में भी यहाँ पर देखी जानी चाहिए कि मंगल शुक्र वहाँ पर किस आधार पर बैठे, इसमें देखना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा का भी प्रथम रोल इसमें देखा जाना चाहिए, तथा साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति भ्रमण करने में अत्यंत रुचि रखते हैं और हमेशा इधर उधर व्यर्थ का भ्रमण भी ज़्यादा ऐसे लोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग शीत वृत्ति के होते हैं, कहीं ना कहीं डरपोक वृत्ति के होते हैं। साथ ही साथ किसी भी कार्य में इनका मन या तो अत्यंत आप ही कह सकते हैं ये बड़ा उग्र होकर के कार्य करते हैं या फिर अत्यंत उदासीन किसी भी कार्य के प्रति देखे जाते हैं। तो दर्शकों ये था तीन ग्रहों में इस युति का फल।